नमस्कार। हम आज फिर चर्चा करेंगे कि हम जब 60 साल के हो जाएं या उसके बाद हो जाएं या 45-50 के भी हो जाएं, तब भी कौन कौन से योगाभ्यास करें जिससे हम स्वस्थ रह सकें। तो पिछली बार हमने आपको बताया था उद्गीप प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। अब की बार हम चर्चा कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की। आप जानते हैं कि हमारे पास दो नासिकाएं हैं, राइट एंड लेफ्ट, दाया और बाएं। ये दोनों दो योग में इसको स्वर कहते हैं, एला और पिंगला। अब ये स्वर जो दोनों हैं वो कुछ देर तक, जिस सुबह के समय ये चलना चाहिए, फिर 2-2.5 घंटे बाद बायां चलना चाहिए, तो ये क्रम से बदलते रहते हैं। अब इन्हीं बदलने से हमारा जो दाया स्वर है ये सूर्य स्वर है और बायां चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर गर्म प्रकृति का माना जाता है और बायां स्वर चंद्र स्वर होता है ये शीतल प्रकृति का माना जाता है। तो गर्म स्वर माने जैसे हमें खाना, शरीर में खाना पचाना है तो हमें दाया स्वर चलना चाहिए। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो लोग कहते हैं थोड़ी देर बाएं करवट ले, तो बाएं करवट हम लेते हो तो हमारा दाहिना स्वर चलना शुरू हो जाता है। स्वर बदलने के लिए आपको जो स्वर चलाना है उसके विपरीत ले जाइए। जैसे दाया चलाना तो बाएं करवट ले जाइए, दाया चलने लगेगा। अगर बाएं चलाना है तो दाई करवट ले जाइए, थोड़ी देर बाद बाएं चलने लगेगा। ये तो अब ये समस्या कहाँ आती है कि जब दोनों स्वर सम चलने चाहिए लेकिन एक ज़्यादा चलता है एक कम चलता है, तो उसी को हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है कि एक नाक से खींचेंगे, जैसे इससे खींचे निकालेंगे, दूसरे से निकाले से, अब इससे लेंगे इससे, तो दोनों बराबर चलने लगते हैं। इसलिए इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन, जिसको बाबा रामदेव जी ने अनुलोम विलोम नाम दिया है। तो इसे आप सीखते, लेकिन इसको यहाँ रख लें आज्ञा चक्र पर और ऐसे में ध्यान देना है कि धीरे धीरे श्वास को खींचना है और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। धीरे धीरे पूरे गहराई से भरना है और दूसरे स्वर से इसको उतनी ही धीरे धीरे गहराई से निकाल देना, कोई झटका ना लगे। तो इस स्वर की खास बात है कि आप हमारे शरीर के जो रोग हैं, सर्दी जुकाम खांसी, ये सारे रोगों को एकदम सही कर देता है। तो इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल करें, इससे आपका जीवन और सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। अब दूसरा जो प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, बहुत चर्चित भी है। अब इसके साथ अगर मूल बंध आप लगा के करें तो बहुत अच्छा है। मूल बंध कहते हैं अपने निचले अंगों को पूरा ऊपर खींचे, जैसे ही श्वास बाहर निकले और दूसरी श्वास को झटके के साथ, क्या श्वास को निकालने पर ध्यान देना है लेने पर नहीं। कमर आपकी सीधी रहे, चेहरे पर कोई तनाव ना हो इसको करते समय, ये विशेष ध्यान देना। अगर चेहरे पर तनाव होगा तो चेहरे में विकृति आएंगी, कमर सीधी नहीं रहेगी तो कमर दर्द हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें, कमर सीधी रखकर ही करें। कि जो खास बात है चेहरे पर आपकी झुर्रियों को कम करेगा, चेहरे की चमक बढ़ाता है, जो पेट में गैस वगैरह रहती है उसको दूर करता है, कब्ज को दूर करता है। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसे अवश्य करें। हठ योग की जो शोधन प्रक्रियाएं हैं उसमें भी यह शामिल है, तो इसलिए ये कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। आप इस प्राणायाम को अवश्य करें। तो आज आपने दो प्राणायाम सीखे, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम।
आपको फिर याद दिला दें, योग का फायदा तभी मिलता है जब हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, और जो शामिल करें उसे प्रतिदिन करें, यह नियम बनाएं ताकि आपका जीवन अच्छा चल सके। धन्यवाद। ओम शांति।